स्टूडेंट्स वेलकम टू पाइनर कॉन्वेंट स्कूल। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ डेमोक्रेसी वॉज एग्जिस्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन स्पाइट ऑफ वेरी टफ सिचुएशंस एंड हाउ वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी इलिटरेसी। एक ऐसा देश जहाँ ओनली 15% वोटर्स ही लिटरेट हैं। They even did not know the meaning of democracy. They did not know how to cast their vote and what is the meaning of democracy. ऐसे देश में free and fair manner से successfully elections conduct हुए, ये बहुत बड़ी achievement थी हमारी country के लिए। And Indians के जो मतलब भारत के जो first general election हुए, that was held in 1952. And this election became the landmark of इंडियन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट इलेक्शन का जो रिजल्ट आया दैट वॉज इन द फेवर ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन में 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स में से हासिल की, यानी मेजोरिटी सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में ही आई। ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी, फिर तो इलेक्शंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता अगर कोई अगेंस्ट में ऑपोजिशन पार्टी नहीं है तो। इंडिया में तो वैसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके फेवर में ओनली 16 सीट्स आई। तो कांग्रेस ने ना सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसने मेजोरिटी सीट्स हासिल की। ओनली केरला ओडिशा और मद्रास को छोड़कर बाकी जितने भी एरियाज थे वहां पर कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में काफी बहुमत मिला। और आजादी के बाद जो सरकार बनी हमारी तो वो कांग्रेस पार्टी की ही बनी। और हमने देखा है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो क्या रीजंस थे कि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिली जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं और एक ही पार्टी इतना बहुमत ले रही है पूरी ही कंट्री में, लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। तो बहुत सारे इसके रीजंस थे। जो सबसे पहला रीजन है वो है पॉपुलैरिटी। कि कांग्रेस पार्टी कोई न्यू नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इंडियंस के लिए कोई नए चेहरे नहीं थे, वो पहले से फैमिलियर थे। इवन इंडियंस तो ये रियलाइज कर रहे थे कि शायद इन्हीं लीडर्स की वजह से ही उनको आज़ादी मिली है, कि इनका इतना सेक्रीफाइस था, इतना स्ट्रगल किया कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने और इतना कॉपरेट किया और हम लोगों को जो है आज़ाद कराया और हमें आज़ादी मिली। तो पॉपुलर पार्टी थी। सेकेंड है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है ही ओल्ड पार्टी थी, ये कोई न्यू इमर्ज होने वाली पार्टी नहीं थी, ये काफ़ी पुरानी थी। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी और स्टार्टिंग में ये प्रेशर ग्रुप के रूप में उभर कर सामने आई। उस समय ओनली इसमें एजुकेटेड पीपल थे, अपर क्लास पीपल थे इस पार्टी के मेंबर्स जो थे और काफ़ी सेंसिबल लोग थे इस पार्टी में। बट धीरे धीरे जो है इस पार्टी में लोगों की संख्या बढ़ती गई, अलग अलग क्लास के लोग इस पार्टी में ऐड होते गए लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स। जब इंडिया में मास मूवमेंट हुआ लाइक जब सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे सोचने लगे कि शायद इस पार्टी के द्वारा उनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ब्रिटिश रूल में हर व्यक्ति सफ़र कर रहा था, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे वो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे। उनको ऐसे लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके उनकी आवाज़ जो है स्ट्रांग हो जाएगी और हमारी डिमांड्स जो हैं जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी काफ़ी हद तक। तभी तो इस पार्टी में हम देख रहे हैं कि उस समय बहुत सारे मेंबर्स इंक्लूड हो गए थे और इस पार्टी की संख्या मेंबर्स की काफ़ी बढ़ गई थी, इसके एक्टिविस्ट फॉलोअर्स और पार्टी के मेंबर्स बहुत बढ़ गए थे। थर्ड जो रीज़न आता है कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों इलेक्शन के बाद मेजोरिटी सीट्स कांग्रेस पार्टी को ही क्यों मिली, तो वो है आइडियोलॉजिकल कोलिशन। आइडियोलॉजिकल कोलिशन का यहाँ मीनिंग है कि इस पार्टी में मिक्स्ड मेंबर्स थे, इसमें ना सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट थे बल्कि मॉडरेट भी थे, कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे, यानी मिक्स जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग थे वो इस पार्टी में थे और सबकी विचारधाराएं जो है अलग अलग थी, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में एक दूसरे की विचारों की आइडियोलॉजीज की कद्र करते हुए इन्होंने अपने पार्टी में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखी। और फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट।
फैक्ट कि इस पार्टी के लीडर्स जो हैं अपने ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स की भी काफी रिस्पेक्ट करते थे। ऑपोजिशन पार्टी ने अगर कोई उन्हें कोई सजेशन दिया है तो उसके ऊपर वो वर्क करते थे, कंसीडर करते थे, सोचते थे कि शायद हमारी ही कहीं मिस्टेक है और हमें जो है इस पर जल्दी काम करना चाहिए और अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। आज की पार्टी की तरह नहीं, जैसे आज हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्टीज हैं और डिफरेंट पार्टी लीडर्स एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन से लगाते हैं या एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं या रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसा नहीं था उस समय। तो यही इतने सारे रीजन से कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी पॉपुलर रही और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इंडियंस के सामने जैसे हीरोज थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो सब लोग इतना पसंद करते थे, मींस कि जब इलेक्शन के टाइम पे जब वो घर से निकलते थे तो इंडियंस उनको सैल्यूट करते थे। कैंपेनिंग के समय में उनके स्पीच सुनने के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो जाता था। तो यही रीज़न था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वन पार्टी का जो है डोमिनेंस रहा, वो ना सिर्फ जो 1952 में इलेक्शन हुए थे बल्कि इसके बाद 1957 में और थर्ड इलेक्शन 1962 में हुए, तब भी कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स लोकसभा के इलेक्शंस में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में भी मिली। जो वन पार्टी डोमिनेंस था वो फर्क क्या था, ऐसा नहीं है कि कंट्रीज मतलब वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस नहीं था, लेकिन डिफरेंस क्या था कि इंडिया में डेमोक्रेसी आने के बावजूद भी एक ही पार्टी का लॉन्ग पीरियड तक डोमिनेंस रहा। बट दूसरी कंट्रीज में क्या फर्क था, लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस है, बट फर्क क्या है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही परमिशन दी हुई है कि वहां पर एक ही पार्टी रूल करेगी। उसके बाद हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं म्यांमार, इजिप्ट, यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस है, एक ही पार्टी रूल करती है, बट रीजन क्या है, क्या फर्क है कि यहाँ पर मिलिट्री का डोमिनेंस रहता है, मिलिट्री के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रूल होता है। इसी के साथ ही जैसे मैक्सिको, साउथ कोरिया, यहाँ पर भी हमने देखा कि वन पार्टी का ही लॉन्ग पीरियड तक डोमिनेंस रहा। बट हमारी कंट्री में जो डोमिनेंस रहा वो हम कुछ हद तक सिमिलैरिटी उसकी करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के साथ होती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका का हमें पता है कि वहाँ पर ब्लैक पीपल जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं और उनके साथ अपनी ही कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो आउटसाइडर थे वो वाइट पीपल थे, वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ रूल किया और वहाँ पर सेग्रीगेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की कि जिसके अंदर क्या होता है कि ब्लैक और वाइट पीपल के लिए सब कुछ डिफरेंट कर दिया उन्होंने। अपनी ही कंट्री में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, बसेस, ट्रेन्स सब डिफरेंट कर दी। इवन उनकी लिविंग एरियाज भी जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे वहाँ पे ब्लैक पीपल जो है उनको परमिशन नहीं दी कि वहाँ पर वो एंटर भी कर सके। तो वहाँ पर ये जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी ने काफ़ी स्ट्रगल किया और इसके स्ट्रगल के बाद जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये कंट्री फ्री हुआ, वाइट पीपल का एक्सप्लॉयटेशन से इसको आज़ाद किया गया और इस पार्टी ने इलेक्शंस के टाइम में जो है काफ़ी सीट्स हासिल की और इसकी वहाँ पर गवर्नमेंट बनी। ऐसे ही हमारे देश में भी सेम सिमिलर स्टोरी है कि यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे और यहाँ आके उन्होंने रूल किया और उस समय कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने लंबे समय तक स्ट्रगल किया, ब्रिटिशर्स के सामने अपने डिमांड्स रखी, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखा कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, देश को आज़ाद कराने में इनका एक ग्रेट रोल है। तो यही रीज़न था कि कांग्रेस पार्टी को इतनी मेजॉरिटी सीट्स मिली और एक लॉन्ग पीरियड तक जो है इसने हमारी कंट्री पे रूल किया, रूल ही नहीं किया बल्कि कंट्री को काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ाया, बहुत हद तक इसने पॉवर्टी भी रिमूव की, अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर किया और काफ़ी फील्ड्स में लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ हमारी कंट्री में। और आज जो देख रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी कुछ हद तक जो है अपने रॉन्ग एजेंडाज की वजह से कुछ कमज़ोर हो चुकी है, बट अगर चाहे तो वो पहले वाली आइडियोलॉजीज अपने में शामिल करके दोबारा से स्ट्रांग हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी ही चैप्टर का अगला टॉपिक है कि कांग्रेस के अलावा अदर पार्टीज कौन सी थी और उनका मतलब इमर्ज कब हुई वो पार्टीज, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज थी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए।